सब्सक्राइब कीजिए माइंड डी चैनल को और इस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस न कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, माइंड डी चैनल में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यूसी ब्राउजर के हिडन सीक्रेट्स में आपको बताऊंगा। दोस्तों यूसी ब्राउजर में हमको काफ़ी सारी ऐसी सेटिंग्स मिलती है जिनसे हमको यूसी ब्राउजर को यूज लेना और भी आसान हो जाता है, लेकिन दोस्तों हमने आज दिन तक ऐसे फीचर्स के बारे में नहीं तो सुना है नहीं देखा है, क्योंकि दोस्तों हमने आज दिन तक यूसी ब्राउजर के ऐसे सेटिंग्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन दोस्तों जब आप इन सेटिंग्स के बारे में जानेंगे तो आपको यूसी ब्राउजर को यूज लेना और भी आसान हो जाएगा और आपका एक्सपीरियंस है जो भी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों यूसी ब्राउजर की उन खास सेटिंग्स को बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना यूसी ब्राउजर को ओपन कीजिए। जैसे आपका यूसी ब्राउजर ओपन होगा इसका इंटरफेस आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो सबसे पहला फीचर है वो है टेक्स्ट ओनली। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम कोई वेबसाइट की ब्राउजिंग कर रहे होते हैं उसमें फ़ोटो भी होती है और आर्टिकल भी होते हैं, लेकिन दोस्तों हमको फ़ोटो से कोई काम नहीं होता, हमको केवल आर्टिकल पढ़ना होता है, कुछ जानकारी हमको लेनी होती है। लेकिन दोस्तों इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके सामने फ़ोटो भी लोड होते हैं, तो इससे आपको जो टाइम ज़्यादा खर्च होता है और आपका डाटा भी जो है ज़्यादा लोड होता है। तो दोस्तों टेक्स्ट ओनली फीचर से आपका क्या होगा, आपके फोटो जो है डिसेबल हो जाएंगे लोड होने से और आपके जो आर्टिकल है केवल वही लोड होंगे। तो दोस्तों इससे आपको फायदा होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होने से बच जाएगा और आपका जो डाटा है वो भी लॉस्ट होने से बच जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने सेटिंग्स पर जाइए, वहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट ओनली का, तो आप इसको एनेबल कर दीजिए और फिर आप वापस बैक जाइए और अपने वेबसाइट को जो है इसको वापस रिफ्रेश कीजिए। तो दोस्तों इससे आपको फ़ायदा यही होगा कि आपके जो फोटो है वो लोड नहीं होंगे, आपका केवल टेक्स्ट लोड होगा, तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट होने से बच जाएगा और आपका जो डाटा है वो भी लॉस्ट होने से बच जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक भी फोटो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन फोटो को जो है डिसेबल कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा फीचर है यूसी ब्राउजर में। दोस्तों अगला फीचर है फाइंड इन पेज। दोस्तों कभी कभी हम किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे होते हैं, इसमें इतना बड़ा आर्टिकल होता है कि हमको जो है पढ़ने में काफ़ी मुश्किल होती है। मान लीजिए दोस्तों आपको इतने बड़े आर्टिकल में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को जो है सर्च करना है, लेकिन इतने बड़े आर्टिकल में आपको उसे एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको थ्री डॉट्स पर जाना है, वहाँ से आपको स्लाइड करना है, वहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड इन पेज, वहाँ पर आप अपना कीवर्ड को जो है यहाँ पर टाइप कर दीजिए जिस कीवर्ड को आप सर्च करना चाहते हैं, और कीवर्ड को टाइप करके आप ओके कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों आपको जो भी कीवर्ड आपको सर्च करना है उस पर यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको नेक्स्ट करके अपने एक कीवर्ड से दूसरे कीवर्ड पर जा सकते हैं, जितने भी कीवर्ड होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, भी बड़े आर्टिकल में आपको किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों अगला फीचर है स्क्रीन शॉट्स। दोस्तों बेसिकली आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ये फैसिलिटी मिलती है स्क्रीनशॉट लेने की, लेकिन यूसी ब्राउजर में एक अलग तरीके से आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसके लिए आपको थ्री डॉट्स पर जाना है, इसको स्लाइड करना है, उसके बाद आपको टूल्स पर जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीनशॉट का, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और आप दोस्तों यहाँ से अपने किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का जो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इससे आपको किसी भी एरिया का जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको यहाँ से नीचे से एक कटर का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और आपका जो स्क्रीनशॉट्स आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको कलर सेट करके यहाँ पर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है, एक ऑप्शन है आपको यूसी ब्राउजर मिल जाता है यहाँ। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है एड्स ब्लॉक। दोस्तों बेसिकली आप किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे होते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारे बेकार सी एड्स आती रहती हैं जिनसे आपको काफ़ी परेशानी होती है। तो दोस्तों यूसी ब्राउजर के जरिए आप इन एड्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको थ्री डॉट्स पर जाना है, उसके बाद स्लाइड कीजिए, उसके बाद आपको टूल्स पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको एक एड ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और दोस्तों यहाँ से आपको ये एड ब्लॉकर और पावरफुल एड ब्लॉकर दोनों ऑप्शन को जो है यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे आप इनको ऑन करेंगे आपके पेज पर जितने भी एड्स आएंगे उनको ये ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा। मेरे मोबाइल में अभी ये 893 एड्स को जो है ब्लॉक कर चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आप बैक जाइए और अपने पेज को जो है रिफ्रेश करके देखिए, आपके पेज पर जितने भी एड्स आएंगे वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे। तो जैसे देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इस पेज के जितने भी एड्स हैं वो यहाँ से हट चुकी हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अपने अपने यूसी ब्राउजर में एड्स को जो है ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन जो है काफ़ी अच्छा और शानदार है स्पीड मोड। तो इसके लिए आपको थ्री डॉट्स पर जाकर टूल्स पर जाना है, यहाँ से आपको स्पीड मोड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने पेज को जो है मोबाइल या फिर डेस्कटॉप के लिए सेट कर सकते हैं, गूगल को आप लाइटली भी इसमें यूज ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा कि यदि आप अपने
पेज को कंप्यूटर की तरह भी ओपन कर सकते हैं, जिससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो कंप्यूटर की तरह होगा। लेकिन दोस्तों इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आप इसको लाइट मोड पर भी यूज़ ले सकते हैं। तो आपको इसको लाइट मोड पर यूज़ करने से आपको फ़ायदा यही होगा कि इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका डाटा भी बचेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, यूसी ब्राउज़र में काफ़ी अच्छी सेटिंग है। तो दोस्तों अगला फीचर है फोर्स जूम आउट सेटिंग। दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा कि आप किसी पेज पर विजिट कर रहे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पेज है वो जूम हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेज ऐसे भी होते हैं जो जूम नहीं होते। जैसे कि हमारे ये एक पेज है जो जूम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थ्री डॉट्स पर जाकर सेटिंग पर जाना है, उसके बाद आपको फ्रंट एंड लेआउट पर जाना है, वहाँ से आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा फोर्स पेज टू जूम। तो आप इसको एनेबल कर दीजिए और फिर आप वापस यहाँ से बैक जाइए और अपने पेज को जो है यहाँ से आप जूम कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों मैं भी अपने पेज को जो है जूम कर पा रहा हूँ, जो कि मैं पहले नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों इस ऑप्शन के जरिए आप किसी भी पेज को जो है फोर्स कर सकते हैं इसको जूम करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ यूट्यूब ब्राउज़र के हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने आपको बता दी, शायद आपको ये पहले से पता नहीं होंगी तो मैंने आपको ये बता दी है। तो दोस्तों जब आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको यूट्यूब ब्राउज़र को यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए रोजाना ही मेहनत करके वीडियो एडिट करता हूँ और आपके लिए वीडियो जो है लेकर आता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।